हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्क्रू पिच जो गेज होता है हमारा, उससे हम लोग जो थ्रेड जो होती है उसकी पिच किस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं, कोई भी नट बोल्ट होता है उसकी जो पिच होती है वो किस प्रकार से मेजर की जाती है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क, मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो हो तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक जो है वो पहुंचती रही है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्क्रू पिच गेज के बारे में। तो इस प्रकार का जो स्क्रू पिच गेज जो है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। वर्कशॉप में अक्सर इस स्क्रू पिच गेज के द्वारा जो है वो आपके नट बोल्ट की जो पिच होती है, चूड़ियों की जो पिच होती है, उनको जो मापा जाता है। यह इसको जो है वो स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जाना जाता है, थ्रेड पिच गेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह चूड़ियों की जो पिच होती है उसको हमें चेक करके बताता है। तो इस प्रकार का जो थ्रेड पिच जो गेज होता है, उसमें दो प्रकार के बंद करें यार एक बार। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्क्रू पिच गेज के बारे में। तो दोस्तों, यह आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, यह एक स्क्रू पिच गेज है। इसको थ्रेड पिच गेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो थ्रेड पिच गेज होता है, यह वर्कशॉप में अक्सर जो आपकी जो चूड़ियाँ होती हैं, नट बोल्ट की जो चूड़ी होती है उसकी जो पिच होती है, उनको मेजर करने का कार्य करता है। इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार का कोई भी नट बोल्ट होता है, चाहे वो मैट्रिक थ्रेड का हो, चाहे वो BSW थ्रेड का हो, वो हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं, और ब्लेड के ऊपर जो है अलग अलग प्रकार की जो है वो माप की जो पिच की जो थ्रेड की जो दांत है वो बने होते हैं। और इधर से आप देख रहे हैं, इधर बड़े वाले दांत जो है वो भी बने हुए हैं। तो यह जो हमारा जो स्क्रू पिच गेज होता है या थ्रेड पिच गेज होता है, यह हमें दो प्रकार की जो थ्रेड होती है उनके बारे में हमें बताता है। तो इनको स्क्रू एंड बोल्ट के द्वारा जो है वो असेंबल किया जाता है। बहुत सारे इसमें ब्लेड्स आप लोग देख रहे हैं। इसका जो मेटल होता है वो आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और इसके अंदर हम लोग दो प्रकार की जो थ्रेड है वो कैसे कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो मैट्रिक थ्रेड, जिसका 60 डिग्री का एंगल होता है, वो हम लोग इसको अंदर आसानी से माप सकते हैं। उसके बाद में जो थ्रेड हम लोग है वो हम लोग BSW थ्रेड जो होती है, जिसका 55 डिग्री का एंगल होता है, वो भी हम लोग आसानी से माप सकते हैं। तो यह जो थ्रेड होती है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो अच्छे तरीके से माप सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो दो पार्ट होते हैं, ये वाले जो लीफ हैं और ये वाले जो लीफ हैं जो मैंने ऊपर की ओर मोड़े हैं, यह है आपका मैट्रिक थ्रेड को मापते हैं। छोटे छोटे जो थ्रेड होंगे उनका पिच मापना है तो वो यहाँ से आप माप सकते हैं, और जो बड़े थ्रेड आते हैं उनके अगर पिच को मापना है तो आप लोग यहाँ से माप सकते हैं। और उसके बाद में इधर वाले जो आप देख रहे हैं, यह लीफ जो होते हैं, ये आपका BSW जो थ्रेड होती है, जिनका जो एंगल होता है 55 डिग्री का होता है, उनको जो है वो माप के दिखाता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नट बोल्ट, अगर आपको उसके पिच के बारे में पता नहीं है, और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि वो मैट्रिक थ्रेड बना है या फिर आपका BSW थ्रेड बना है, ब्रिटिश थ्रेड बना है, तो आप इसके द्वारा आसानी से नाप सकते हैं। तो जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे नट बोल्ट रखे हुए हैं, तो मैं इनको आपका जो है वो इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं इनकी जो पिच है वो माप करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये एक एलन बोल्ट है, तो यह जो एलन बोल्ट है यह मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। तो यह किस प्रकार से होगा, तो इसकी जो भी पिच होती है ना वो कैसे मापी जाएगी। इसमें से बहुत सारे जो है वो ब्लेड दिए गए हैं, इन ब्लेड के ऊपर उनका नाप भी दिया गया है कि कितने की पिच है। जैसे ये पहला ब्लेड है, यह 0.25 का पिच का है, उसके बाद में 0.3 का पिच है, इसमें 0.35 का है, 0.4 का है, 0.45 का पिच है, और 0.5, अलग अलग प्रकार के जो है वो यहाँ पे पिच बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पिच को जो मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये इसके ऊपर फिट बैठ जाएगा, वो मैं इसके ऊपर जो है वो रख करके और आसानी से जो है इसको मैं आराम से चेक कर सकता हूँ। तो जैसे कि ये एक बोल्ट है, इसके ऊपर मैं इसको यहाँ पर जैसे रख के देखता हूँ, ये इसके अंदर फिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मुझे जो दूसरा जो लीफ है वो मैं यहाँ से जो है वो आराम से ले सकता हूँ। तो दूसरा लीफ जो है वो मैं यहाँ से लूँगा। उस प्रकार से जो है यहाँ पे इसको आराम से आपने इस ब्लेड को क्या करना है, इसके ऊपर रखना है, आराम से ऐसे करिए और इसके ऊपर जो है इस प्रकार से रख दीजिए। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इसके अंदर जो है ये देखिए बिल्कुल गैप नहीं आ रहा है, और यह जो आपका जो बोल्ट है इसके ऊपर जो है ये 1.25 mm का, आप यहाँ पे देख रहे हैं 1.25 mm का जो पिच है, का जो ब्लेड है वो इसके ऊपर बिल्कुल आसानी से बैठ गया है। यहाँ पर आप बिल्कुल जूम करके दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर फिट हो गया है। तो यहाँ से हमें मालूम ये चलता है कि यह जो आपका मैट्रिक थ्रेड है और इसका जो पिच है
वो 1.25 mm का यहाँ पे पिच है। तो इस प्रकार से आप जो है वो पता लगा सकते हैं कि कितने का जो है आपके नट एंड बोल्ट का जो है वो पिच आ रहा है। तो आसानी से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास में और भी बहुत सारे नट बोल्ट रखे हुए हैं, तो इनका भी मैं चेक करूँगा एक बार, ठीक है, कि किस प्रकार का नट बोल्ट है। ठीक है, तो अगर आपको पहचान में नहीं आता है, तो जैसे मैंने पहले, तो ये भी जो है वो 1.25 का पिच ही है, तो ये भी बिल्कुल इसके अंदर आसानी से इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल बैठ रहा है, तो ये भी 1.25 का है। तो अब ये मैं बड़ा बोल्ट जो है वो इसको चेक करना चाहता हूँ कि जो बड़ा बोल्ट है इसका पिच कितना है। अब मेरे को इसका पिच मालूम नहीं है, तो आसानी से जो है थ्रेड पिच गेज के द्वारा इसका जो पिच है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसका पिच मापने के लिए मेरे को देखना होगा कि कौन सा जो ब्लेड है इसके अंदर जो है वो लगेगा। तो अंदाजे से लगाते हैं इसके अंदर, जैसे सबसे पहले मैं 1.5 mm का जो पिच है वो वाला ब्लेड लेता हूँ, तो इसके ऊपर मैं लगा करके देखता हूँ। तो ये बिल्कुल इसके अंदर जो है वो आसानी से बिल्कुल एकदम फिट हो गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं है, और आसानी से जो है वो आप इसके अंदर है इस प्रकार से इसमें बैठा दिया है। तो ये 1.5 mm का पिच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 mm का। तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि ये जो बोल्ट है ये आपका मैट्रिक थ्रेड वाला बोल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आसानी के साथ में मैट्रिक थ्रेड का बोल्ट या BSW थ्रेड जो होता है उसकी पिच को आसानी से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो मैं यह भी एक नट जो है वो मैं इसको, मेरे सामने ये बोल्ट है इसको भी मैं मेजर करना चाहता हूँ। तो इसको देखते हैं, मेरे को आई थिंक यह लग रहा है कि ये BSW थ्रेड का जो है वो मेरे को लग रहा है। तो मैं इसका जो है वो BSW थ्रेड की जो ब्लेड्स हैं उनके द्वारा इसका पिच जो है वो उसको मेजर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है आपका ब्रिथवर्थ लिखा हुआ है 55 डिग्री। तो मैं इसका जो है वो मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ। तो मैंने सबसे पहले यह जो यहाँ पे देखिए ब्लेड मैंने लगाया है 19G का, और यहाँ पर जो है इसका साइज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको फिट करके देखना चाहता हूँ, ये फिट नहीं हुआ इसमें। और उसके बाद में मैं इसका जो ब्लेड है वो दूसरा ब्लेड ले लूँगा, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूसरा ब्लेड लिया है, तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर बैठ गया है। 20G 1/4 इंच का जो है यह है आपका थ्रेड है। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं ये इसके ऊपर बिल्कुल आराम से बैठ गया है। तो आप आराम से इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी प्रकार का कोई अनचाह थ्रेड होता है उसका पिच माप सकते हैं। इंटरनली भी आप चेक कर सकते हैं। इंटरनली अगर आपको कोई चेक करना है तो आप इसके जो इसका जो ये नट है, नट के अंदर का पिच भी आराम से इसको अंदर ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वो आराम से इसको चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेज होता है, क्योंकि थ्रेड के अंदर अक्सर हमें कई बार ऐसा दिक्कत आती है कि चूड़ियों का माप अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग स्क्रू पिच गेज या थ्रेड पिच गेज के द्वारा आसानी से चूड़ियों का पिच प्राप्त करके उसका माइनर डाया और उसका मेजर डाया प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग आसानी से जो है वो थ्रेड को बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।